सामना में शिवसेना का बीजेपी पर तंज, बीजेपी को बताया कलंकित नेताओं का आश्रय, एनडी तिवारी और एनसीपी के नेताओं का दिया हवाला। शिवसेना का बीजेपी से सवाल, गुंडों के बल पर चुनाव जीतने की मंशा, तो फिर पार्टी की साफ सुथरी छवि का दिखावा क्यों। बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों का तालमेल लगभग तय, बीजेपी ने बनाई 114 उम्मीदवारों की लिस्ट। शिवसेना ने प्रॉपर्टी टैक्स की घोषणा पर बीजेपी खफा, पार्टी के नेता आशीष शेलार ने कहा ये उनकी घोषणा पत्र का था हिस्सा। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी का शहर की खस्ता हाल, सड़कों पर सवाल, पार्टी नेता आशीष सेलार ने कहा जब सड़कें ठीक ना हो तब ना वसूले रोड टैक्स। शिवसेना के साथ सीटों के तालमेल की गणित नहीं बैठने पर बीजेपी ने बनाया प्लान बी, 227 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट तैयार। बीएमसी चुनाव को लेकर युवाओं में खासा उत्साह, 92 युवा कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, आशीष शेलार को सौंपी लिस्ट। मुंबई के कुर्ला में भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख, कबाड़ी की दुकान से फैली आग, लाखों का नुकसान। मुंबई के डोंबिवली में अवैध झुग्गी हटाने के नोटिस पर भड़के लोग, रेलवे ट्रैक को घंटों किया जाम, आवाजाही प्रभावित। ओमपुरी की पत्नी नंतापुरी ने अपनी पति की हत्या पर जताया शक, नंता ने ओशिवारा पुलिस में अर्जी देकर सुरक्षा की मांग की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई कलेक्टर को ईरोस बिल्डिंग मामले में लगाई लताड़, ईरोस बिल्डिंग के खोले गए ताले, मालिक पर थे 5 करोड़ बकाया। 2008 मालेगांव ब्लास्ट आरोपी रमेश उपाध्याय को मिली चुनाव लड़ने की इजाजत, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में ले सकेंगे हिस्सा। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन में कार शेड में युवक का जला शव मिलने से रकम, लाश की नहीं हो सकी शिनाख्त। फिल्म अभिनेत्री अति अग्निहोत्री और उनके पति पर बिजली चोरी की शिकायत दर्ज, 49 लाख की बिजली चोरी का आरोप। महाराष्ट्र में 43 साइबर पुलिस स्टेशन शुरू हुए, साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ने के बाद लिया गया फैसला। अभिनेत्री आलिया भट्ट का इंस्टाग्राम पर वर्कआउट करते हुए वीडियो वायरल, कल फैंस को फिटनेस टिप्स दे रही आलिया। टाइगर और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी का बनेगा सीक्वल, निर्माताओं ने फिल्म पर काम शुरू किया। 28 जनवरी को बिग बॉस के फिनाले से दूर रह सकते हैं सलमान खान, स्वामी ओम को फिनाले पर बुलाने से है नाराज। फिल्म कॉफी विद डी के निर्माताओं से नाराज हुए फिल्म और टीवी कलाकार सुनील ग्रोवर, ट्वीट कर लिखा फाइनल फिल्म दिखाने को कहा था लेकिन मेकर्स ने नहीं दिखाई। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने साइन की इत्तेफाक नाम की फिल्म, यश चोपड़ा की 1969 में आई फिल्म का होगा रीमेक, सोनाक्षी के साथ दिखेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा।